Let's see another question on consolidation. और ये भी अगेन बैलेंस शीट का ही क्वेश्चन है और दो कंपनियों का ही है, इसमें तीसरी कंपनी ऐड अभी हमने नहीं की है. और अगेन ए सिंपल क्वेश्चन ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि ये कंसोलिडेशन में जब एसेट्स को ऐड ऑन करते हैं तो उसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ आ सकती हैं, एक एक करके ऐड की हुई है. अब देखिए इसमें क्या है कि अगेन एक बैलेंस शीट दी हुई है होल्डिंग की भी और सब्सिडी की, नाम नहीं लिखा, होल्डिंग और सब्सिडी लिख दिया है. फिक्स्ड एसेट्स हैं छोटी सी फिगर 1550, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी 500. तो सिंपल किया इसलिए कि तो और आसान हो जाए समझने के लिए. करंट एसेट्स अगेन टोटल और शेयर कैपिटल रिजर्व और करंट लाइबिलिटी, यानी तीन तीन आइटम्स हैं आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर और तीन ही आइटम है लाइबिलिटी और इक्विटी की साइड पर. होल्डिंग कंपनी एक्वायर्ड 80% शेयर ऑफ सब्सिडियरी ऑन 1 जनवरी 2019 व्हेन इट रिजर्व्स वर वर्थ 120. अब इसमें देखें कि आपके पास जब आपने इसको अक्वायर किया था 120 के एसेट, ये मिलियंस में थे, मैंने मिलियंस ख़त्म कर दिए, तो 120 आपके नेट एसेट्स की वर्थ थी व्हेन द रिजर्व वर 120. देन ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडियरी कंपनी सोल्ड गुड्स टू होल्डिंग कंपनी फॉर 500, द प्रॉफिट ऑन द सब्सिडियरी बीइंग 20% ऑन सेलिंग प्राइस. अगेन सेलिंग प्राइस पर 20% है, ये मार्कअप और मार्जिन का रहेगा, तो एहतियात करनी होगी कि प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो किस पर है, सेल प्राइस पर है. तो आपने 500 की चीज़ें बेची और उसमें आपका प्रॉफिट 20%. ऑन द क्लोजिंग डेट गुड्स कॉस्टिंग 150 रिमेन अनसोल्ड इन द इन्वेंट्री ऑफ होल्डिंग कंपनी, यानी 500 में से आपने 350 तो बेच दिए लेकिन अभी 150 की आपके पास है, तो इसमें जो अगेन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसकी एडजस्टमेंट करना होगी. एट द सेम डेट होल्डिंग कंपनी ओड 120 टू सब्सिडियरी एज ए ट्रेड लाइबिलिटी विच इंक्लूडेड इन द करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स ऑफ द सब्सिडियरी. फिर रिपीट करूँगा इस बात को कि देखिए एक ने अपने यहाँ लाइबिलिटी शो की हुई है और एक ने उसको रिसीवेबल यानी एसेट शो किया हुआ है, तो कंसोलिडेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इनको कैंसिल करेंगे, क्योंकि इसकी कैंसिलेशन के बगैर आगे नहीं चलना है आपने. पहला क्वेश्चन है कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उसको ठीक करना है, और दूसरा इस केस से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये है कि आपको जो इंटर कंपनी डेटेडनेस है उसको ख़त्म करना है. इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इज 84,000. अच्छा इंटरेस्टिंग बात देखें, नॉर्मली अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया था कि गुडविल की इम्पेयरमेंट होगी कि नहीं होगी. अगर कोई गुडविल जनरेट होती है तो हम उसको बैलेंस शीट में एज इट इज़ दिखा देते. इस केस में ये हुआ है कि उन्होंने गुडविल की फिगर भी बता दी और कहा कि ये राइट ऑफ भी कर दी. ऑफ गुडविल अमाउंट द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इज 84. ये इम्पेयरमेंट का मतलब है कि ये लॉस हो गया, यानी इसको ख़त्म करना है आप. तो ये भी नोट करें कि उसने जो फिगर दी है तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिगर आपकी सही आनी चाहिए. जब आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो देखें कि क्या हमारी गुडविल की फिगर यही आती है, और ये कहता है इसको राइट ऑफ करना है. Its group policy to value non-controlling interest at its proportionate share of their fair value of subsidy identifiable net. ये तो ये normal होता ही है कि आपने अगर 80% आपका है तो obviously 20% जो है वो non-controlling interest holders का होगा. तो balance sheet बताते वक्त हमने clear कर देना है कि non-controlling का share कितना है, अपनी holding का share कितना है, इसी तरह assets और liabilities में जो changes हैं उनको भी आपने अकाउंट फॉर करना है. थैंक यू वेरी मच.